केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू के पलौरा में जनसभा की। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर शाह की यह पहली रैली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर घाटी में दोबारा आतंक फैलाने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन LOC पर फिर से ट्रेड शुरू करना चाहता है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस जेल में बंद पत्थरबाजों और आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को छुड़ाना चाहती है ताकि आतंक फिर से फैले। LOC का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो। पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो सहमत हो। ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, NC अब्दुल्ला परिवार और PDP का मुफ्ति परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या?